अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस ज़बरदस्त वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि घर बैठे बिला सूद कर्ज कैसे हासिल किया जा सकता है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाएं और 1 से 2 दिन में बिला सूद कर्ज हासिल करें। नई हुकूमत की जानिब से कामयाब जवान प्रोग्राम को जारी रखने का ऐलान किया गया है। मौजूदा वज़ीर ख़जाना ने यह ऐलान किया है कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम को बंद नहीं किया गया। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये पुरानी वीडियो है और पुरानी बात बताई जा रही है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नई अपडेट है और आप इस बारे में हुकूमत की कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की वेबसाइट से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस स्कीम में मर्द और ख़वातीन दोनों ही कर्जा ले सकते हैं। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। अब किस तरह आप लोग इस प्रोग्राम में कर्ज़ा लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोज़ आपको बरवक्त मिलती रहें। मौजूदा हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि बिला सूद कर्ज प्रोग्राम को जारी रखा जाएगा, यानी कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत अब भी बिला सूद कर्ज मिल सकता है। अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं या पहले से चलते हुए कारोबार को वसी करना चाहते हैं तो आप ये कर्ज़ा ले सकते हैं। अगर आप हुनरमंद हैं और रोज़गार ना होने की वजह से परेशान हैं तो आप कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। अगर आप काश्तकार हैं और काश्तकारी के लिए कर्ज़ा लेना चाहते हैं, अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं या घर तमीर करवाना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। इस कर्ज़ के लिए कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको ये कर्ज़ मिलेगा, ये सब तफसीलात आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा, तो वीडियो को मुकम्मल देखें क्योंकि बहुत से लोग पहले कर्ज़ा ले चुके हैं और जो लोग अब अप्लाई कर रहे हैं उन्हें भी हुकूमत की तरफ से कर्ज़े दिए जा रहे हैं। इस स्कीम में आप ज़्यादा से ज़्यादा 27 लाख रुपये तक कर्ज़ा ले सकते हैं और इस कर्ज़ की वापसी की मुद्दत 15 से 20 साल है, यानी आपने लिया गया कर्ज़ा 15 से 20 साल की महाना एक साथ में वापस करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखा दूं, जैसा कि मैसेज आ चुका है, अस्सलाम वालेकुम मौजे सारफ, आपको मतला किया जाता है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जारी होने वाले कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए आप अहल हैं और अदारा NRSP से आप बिला सूद कर्ज की सहूलत हासिल कर सकते हैं। ख्वाहिशमंद सारफ दर्ज ज़ैल नंबर पर रबता करके मालूमात ले सकते हैं या फिर अदारा के करीबी दफ्तर में फ़ौरन रबता करें। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के साथ बहुत से अदारे और माइक्रो फाइनेंस बैंक काम कर रहे हैं और जब आप कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से कर्ज़ लेने के लिए मैसेज करते हैं तो आपका नाम किसी भी अदारे या माइक्रो फाइनेंस बैंक में भेजा जा सकता है। बहुत से लोग ये कर्ज़ा ले चुके हैं और बहुत से लोग ये कर्ज़ लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप बिला सूद कर्ज़ लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं या अपनी कोई भी ज़ाती ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, कर्ज़ा लेने का मुकम्मल तरीका आपको बताऊँगा और वेबसाइट का लिंक भी आपसे शेयर करूँगा। वीडियो मुकम्मल देखें ताकि तमाम मालूमात आपको मिल सकें। अब आपको कर्ज़ा लेने का तरीकाकार बताने लगा हूँ जो कि बहुत आसान है। डिजिटल ऑनलाइन तरीका से आप ये कर्ज़ ले सकते हैं और इस कर्ज़ के लिए आपको किसी किस्म की कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, यानी बगैर ज़मानत आपको ये कर्ज़ मिल सकता है। अप्लाई करने के लिए उम्र की हद कम अज़ कम 18 साल है, यानी कर्ज़ा अप्लाई करने वाले की उम्र 18 साल से कम ना हो। प्रोग्राम के पहले मरहले में गिलगत बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के पसमानदा अजला शामिल होंगे। ये स्कीम साबका वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानब से शुरू की गई थी जिसे अब मौजूदा हुकूमत ने भी जारी रखने का ऐलान किया है। इस स्कीम में 37 लाख ख़ानदानों के लिए 1400 अरब रुपये रखे गए थे और मौजूदा हुकूमत ने भी इस प्रोग्राम को बंद नहीं किया। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में मुख्तलिफ कैटेगरी में आप कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कामयाब किसान कैटेगरी में काश्तकार को खाद, बीज, स्प्रे और ज़रई मशीनरी के लिए बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। कामयाब कारोबार कैटेगरी में कारोबार के लिए नौजवानों को 5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज दिया जाएगा ताकि नौजवान नौकरी के बजाय अपना कारोबार कर सकें। अपने घर की खरीदारी या तमीर के लिए 27 लाख रुपये तक का कर्ज़ा दिया जाएगा और वापसी की मुद्दत 20 साल है। दोस्तों, इस कर्ज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए आपने 5771 पर SMS करना है और याद रहे जिस सिम से आप मैसेज कर रहे हैं वो आपके नाम पर होनी चाहिए और सिम में कुछ बैलेंस मौजूद हो ताकि आपका SMS 5771 पर जा सके। और इस SMS का जवाब अगर फ़ौरन ना आए तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि जवाब आने में कुछ वक्त भी लग सकता है।
कौमी अदारों की डेटाबेस से आपकी अहलियत और शनाख्त की जांच पड़ताल के बाद आपको जवाबी SMS के जरिए अहल होने या ना अहल होने के बारे में आगाह कर दिया जाएगा और जवाबी SMS में आपके अहल होने की सूरत में आपको राबता नंबर भी फराहम कर दिया जाएगा जिस पर कॉल करके आप अपने कर्ज के लिए मजीद रहनुमाई ले सकेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 5771 पर SMS करना है और चंद रोज़ में आपको जवाबी SMS से कर्ज़ की अहलियत के बारे में आगाह कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर मज़ीद इस बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।